A very good morning, students. Today in this video I am going to discuss word problems of exercise 5C. So let us start. First statement is the sum of 348,750 and the number is 15 lakh. Find the number. It means हम एक सम करते हैं एक फर्स्ट इस नंबर को एंड अ नंबर. जैसे कि हमारे पास ये नंबर गिवन है 348,750. उसमें हम प्लस करते हैं एक ऐसे नंबर को जो हमारे पास आंसर क्या आता है 15 लाख आता है. ठीक है, ओके. जैसे हमारे पास मानो 10 में क्या प्लस करें जो हमारे पास आंसर आए 15. ठीक है, 5 करना होता है ना हमें, 10 में हम 5 प्लस करेंगे तभी 15 आएगा ना. इट मीन्स हमें फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको वहाँ जाके माइनस कर सकते हैं ना. जब 15 में से माइनस करेंगे 10 तभी हमारे पास 5 आता है. ओके, कि 10 के अंदर हम ऐसे क्या ऐड करें आंसर इज 15 आए. तो हमें पता है कि 10 में 5 ऐड करोगे 15 आएगा. ओके, सो बड़े नंबर्स में क्या होगा, जब हमारे पास यदि 10 को हम 15 से माइनस करते हैं तब भी 5 आता है ना, तो हमने क्या करना है, दिस वैल्यू को माइनस करेंगे इस बड़ी टर्म से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, सो यहाँ देखो 348,750 वो हमें गिवन है, हमें ऐड सम लिखा हुआ है, सम के बाद प्लस एक दे सम जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है उन दोनों को ऐड करके सम करके हमारे पास क्या आता है 15 लाख आता है. ओके, सो नाउ ये वाली वैल्यू वहाँ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी. ठीक है, तो सो माइनस करते हैं इसको, 0 माइनस 0 0. ठीक है, 10 माइनस 5 यहाँ पे 5 आएगा आंसर, 9 माइनस 7 2 विद देन 1 5 1 1. ठीक है, देख 0 में से माइनस 0 फिर दैट इज 9 10. 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 3 1, देन 1. तो आंसर इज 11,51,250. ओके, नाउ बी, हाउ मच बी ए पार्ट, हाउ मच इज 6,24,803 शॉर्ट ऑफ 11,20,000. इट मीन्स हमें बताना है इसमें हाउ मच ये वाली वैल्यू है, कितनी छोटी है, शॉर्ट मतलब छोटी है किस इस नंबर से, कितनी छोटी है. ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास वही दिया हुआ है इधर कि 20 है, 5 है, कितनी छोटी है 20 से. ठीक है ना, 5 जो नंबर है कितना छोटा है किस वैल्यू से, 20 से. तो हम 20 में से माइनस करते हैं 5 को, 15 आ जाता है. इट मीन्स हमारे पास कितना छोटा है, 15 नंबर छोटा है. ठीक है ना, तो हमने वो इसमें भी ऐसे ही करना है, हमें बताना है कि ये वैल्यू इससे कितनी छोटी है. तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वैल्यू से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा. ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, वो नंबर निकालना है कि कितना छोटी वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे, 11,20,000 में से माइनस कर देंगे 6,24,803 से. सो माइनस करके आंसर आता है हमारे पास, देखो जहाँ पे कैरी लिखा, तो 10 9 9 9 दैट इज 1. तो 10 माइनस 3 7 9 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 4 5. ठीक है, अब 1 है तो 1 यहाँ से कैरी यहाँ से लेगा. ठीक है ना, 1 इसको देगा बोर देगा, तो देन 0 देन 11. ओके, 11 माइनस 2 दैट इज 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा एंड देन 0. तो 10 माइनस 6 4, आंसर इज 4,95,197. ओके, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 4,95,197. नाउ बी पार्ट इज व्हाट नंबर वी एडिड, हम क्या नंबर ऐड करें इसके अंदर वो क्या बनाए 5,25,23,48,540. इट मींस हमारे पास हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें, ठीक है, कि हमारे पर दिया हुआ है इधर 5,23,48,54 और यहाँ पे हमारे पास है 5,23,48,540. तो हमें बताना है, हम ऐसा नंबर बताना है जो ऐसा नंबर इस नंबर को ऐड करके ये वाली वैल्यू हमें दे. ठीक है, सो अब हमारे पास देखो इधर पॉजिटिव साइन है तो उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा. ठीक है, तो इट मीन्स माइनस हो जाएगा. तो जैसे कि हमारे पास प्लस, हमारे पास क्या प्लस करें 10 के अंदर वो क्या बनाए 30 बनाए.
ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास क्या ऐड करेंगे, 20 ऐड करेंगे, 20 प्लस 10 30, तभी 10 30 बनेगा। या फिर हमारे पास इस 10 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 30 माइनस 10, तो हमारे पास क्या आता है 20 आंसर, तो वो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है, हमारे पास इस वैल्यू में से दिस वैल्यू को माइनस करना है। सो हम देखो हमारे पास 52,34,854 में क्या ऐड करें, जो हमारे पास आंसर क्या आए 5,23,48,540। सो इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आपने माइनस खुद करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, ठीक है, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या आता है 2,11,020,265। ओके, नाउ बिगर नंबर हमें गिवन है, ठीक है, वो है हमारे पास 50,02,000। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर। हमें पता है जब हमारे पास ऐसा जो सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है ना, बिगर नंबर से ही स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं तब आंसर आता है। इट मीन्स हमारे पास बिगर नंबर दिया हुआ है जहाँ पे 50, ठीक है, बिगर नंबर में से हमारे पास 20 को स्मॉलर नंबर को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 30 आता है। ये बिगर हो गया, ये हमारे पास स्मॉलर हो गया, और ये हमारे पास डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ दिया हुआ है, बिगर नंबर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास डिफरेंस आएगा। तो बिगर नंबर हमें गिवन है, ठीक है, 50,02,000, और डिफरेंस भी हमें गिवन है, माइनस कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू देखो जहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, मींस बिगर में से माइनस स्मॉलर डिफरेंस आ गया। तो देखो इधर 50,00,000 माइनस डैश वैल्यू इक्वल टू 2,11,265, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास बिगर नंबर दिया हुआ है एंड डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास बिगर नंबर है, ठीक है, उसमें से माइनस करना है स्मॉलर नंबर, और हमारे पास डिफरेंस हमें गिवन है, ठीक है, जब बिगर नंबर है डिफरेंस गिवन है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम इस वैल्यू को जहाँ पे लाके 50 में से माइनस कर दे 30 को, डैट इज 20 आ जाएगा, तो 20 आंसर आ गया ना, ठीक है ना। तो बिगर नंबर में से जो हमारे पास डिफरेंस है उसको आके हम सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें भी ऐसे करना है, तो बिगर नंबर में से जो डिफरेंस है उसको आके माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आंसर इज 5, कितना होगा 50,02,000 लिखा, तो माइनस किया इसको 2,11,265, देन इसको डिफरेंस किया तो आंसर इज 47,90,735। ओके, फोर्थ भी सेम ऐसी है, सॉरी थर्ड किया था अभी, अब फोर्थ ये रहा। तो व्हाट नंबर, तो द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का डिफरेंस कितना आता है 3,25,066। इफ द स्मॉलर नंबर हमें गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है लार्जर वन। ओके, सो देखो वही हो गया, लार्जर नंबर में से माइनस करेंगे स्मॉलर नंबर, डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। जब लार्जर नंबर हमें निकालना है, स्मॉलेस्ट हमें गिवन है, तो डिफरेंस गिवन है। अब हमारे पास देखो जहाँ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब हमें लार्जर नंबर निकालना है, इट मीन्स जो लार्जर नंबर निकालना है हमारे पास ये वैल्यू है, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू है और डिफरेंस है। अब ये वैल्यू को वहाँ लेके जाएंगे तो 30 प्लस 20 कितना होगा 50, तो इट मीन्स लार्जर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50। जब 50 में से माइनस करो 20 तो 30 आता है, चेक भी हो गया। ओके, तो वही करना है हमारे पास, दिस वैल्यू को वहाँ लेके जाना है और ऐड करना है। तो अब इनको ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखो, सो 6 प्लस 7 13, 1 कैरी 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, देन 5, ठीक है, 8 प्लस 5 13, ऊपर 1 कैरी 9 प्लस 1 10, +2 12, देन कैरी 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, लार्जर नंबर 4,23,503। ओके,